Welcome back to our channel, friends. If you are here for the first time and you don't know me, then hi, this is Amrita Bharti and today's video is gonna be a huge winter haul. और ये सारे जो भी प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी विच इज सो इम्पॉर्टेंट, ये तीनों के बेसिस पे मैंने ये सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए. तो आई होप आप सबको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगने वाले हैं. और एक इसकी एडवांटेज ये है कि ये जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको इस वीडियो में, वो सारे आपको डिफरेंट साइट से है, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अजियो एंड अमेजोन. और आपको पता होगा ये सारे ही वेबसाइट बहुत ही ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स है और यहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं. नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन गाइस. सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ब्रांड टीम स्पिरिट से हाई नेक क्विल्टेड जैकेट. मैंने पिंक और रेड दो कलर में ऑर्डर किया है. इसके दो कलर और भी अवेलेबल है, लाइक ब्लू एंड पर्पल. गाइस ये क्विल्टेड जैकेट है बट ये आपको उतना भी क्विल्टेड नहीं है, मतलब आप इसे स्टार्टिंग विंटर में वेयर कर सकते हो. ऑल दो इसका जो जिप है वो बहुत ही स्मूथ जिप है और ये आप देख सकते हो ये फुल स्लीव नहीं, हाफ स्लीव्स है. तो आप स्टार्टिंग विंटर में आपको इसे किसी भी ड्रेस के ऊपर या सूट वगैरह एथनिक वेयर के ऊपर आप एज अ लेयरिंग के तौर पे आप इसे वेयर कर सकते हो. बिकॉज आपको एथनिक वेयर में ठंडी में जब होता है तो लोग ऐसे दिखाने के लिए पहन लेते हैं, बट ठंडी तो सबको लगती है भाई. तो आप उसके ऊपर ये हाफ स्लीव का आप इसे वेयर कर सकते हो, क्योंकि आप कार्डिगन भी कर सकते हो. बट ऑल दो आपको कार्डिगन के अलावा कुछ वेयर करना है तो आप ये पफ जैकेट वेयर कर सकते हो. आप इसके मटेरियल की मैं बात करूँ तो मटेरियल जो इसका है वो पॉलिएस्टर मटेरियल है और आपको इसमें दो पॉकेट, दो फ्रंट पॉकेट मिल जाते हैं. और पॉकेट जो है ये नहीं कि आपको बस छोटा सा पॉकेट है, ये बहुत ही डीप पॉकेट है. आप आराम से इसमें अपने मोबाइल फ़ोन को कैरी कर सकते हो. गाइज दोनों ही जैकेट के मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग मीडियम ऑर्डर किया है. मैंने इसके लिए 260 पे किया है विच इज क्वाइट चीप. अगर आपको ये पसंद आ रहा है बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल है तो मैं इस दोनों जैकेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दूंगी. गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी मैंने ब्रांड टीम स्पिरिट से ऑर्डर किया है, दैट इज ऑल्सो अ हुडेड पफर जैकेट. जो आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी, ये फुल स्लीव्स पे है. पहले तो मैं बता दूँ ये फुल स्लीव्स पफर जैकेट है और आप देख सकते हो ये पिच कलर में है. अगर आपको कलर अच्छे से दिख रहा होगा तो इसका जो कलर है वो पिच कलर है, बट आप डिस्क्रिप्शन में जब चेक करोगे तो इसका कलर डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्यों पिंक लिखा है, बट गाइज ये पिच कलर है, आप देख सकते हो. मैंने इसका साइज स्मॉल पहले ऑर्डर किया था बट कुछ इशू थे जो मैं आपको बताऊँगी, उसके कारण मैंने इसे चेंज करके फिर से मीडियम साइज ऑर्डर किया है. इसकी जिप फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ जिप है. और ये जो क्विल्ट है आपको बहुत ही थिक मटेरियल है, मतलब अगर आप इसके अंदर लेयरिंग वगैरह मतलब हल्का सा टी शर्ट वगैरह के ऊपर से भी पहन लेते हो तो अच्छा खासा काम चल जाएगा. बिकॉज ये बहुत ही थिक और बहुत ही वॉर्म और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और आपको इसमें हुडी भी दी गई है तो आपको अलग से कैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको इसमें रिब स्लिप मिल जाते हैं और आपको इसमें दो फ्रंट पॉकेट मिल जाते हैं जो अच्छा खासा डीप है. आप आराम से इसमें मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज जींस वगैरह में उतने स्पेस नहीं रहते कि आप मोबाइल अच्छे से कैरी कर पाओ. तो आप मोबाइल इसके जैकेट के पॉकेट में कैरी कर सकते हो आराम से. और इसके जो अंदर से मटेरियल है वो कॉटन का मटेरियल है और आपको फ्रेंड्स अंदर से भी दो पॉकेट दिया गया है जो कि वो भी डीप है. तो आप अंदर से भी कुछ कैश वगैरह या कुछ एयरफोन या कुछ भी आप ऐसा रखना चाहते हो तो आप उसके अंदर में भी कैरी कर सकते हो. अंदर से तो मटेरियल कॉटन है बट बाहर से इसका मटेरियल पॉलिएस्टर है. आप देख सकते हो ये पॉलिएस्टर में ही ऐसा साउंड रहता है, तो बाहर से मटेरियल पॉलिएस्टर. बाकी डिस्क्रिप्शन का बाय गॉड, डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या जो इच्छा हो रहा है उन लोग का वो लिख दे रहे हैं, बट गाइज ये बाहर से पॉलिएस्टर मटेरियल है और अंदर से कॉटन है. गाइज ये बहुत ही शाइनी मटेरियल में है, मतलब आप इससे पहले जो मैंने पफर जैकेट बनाया था वो थोड़ा मैट लुक देता है बट ये बहुत ही शाइनी लुक आपको देता है, बहुत ही अच्छा लगता है. बट गाइज इसके मैंने जो बोला था आपको साइज में कुछ इशू हुए थे तो मैं बता देती हूँ. मैंने इसका पहले स्मॉल साइज ऑर्डर किया था अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग जो कि मेरे लिए परफेक्ट था, बट मैंने उसे जब ऑर्डर किया तो वो बॉडी में लगभग ठीक ही था बट वो शोल्डर पे तना सा हो रहा था. तो मैंने सोचा कि इससे बड़ा साइज ऑर्डर किया जाए तो मैंने मीडियम साइज ऑर्डर एक्सचेंज करके मैंने मीडियम मंगाया.
फिर भी इसका बॉडी मुझे फिर भी ठीक है, मुझे लूज थोड़ा कपड़ा पसंद है तो मैंने लूज ही लिया, मीडियम ही लिया। बट इवन देन इसके शोल्डर में क्या इशू है, क्या फिटिंग में इशू है पता नहीं, तो आई गेस ये थोड़ा वो है। बट ठीक है, मतलब अगर आप जिप वगैरह खोल के यूज़ करते हो तो अच्छा है, बिकॉज इतने प्राइस में आपको ये अफोर्डेबल है। मैंने इसे 499 में परचेज किया, जो कि ठीक है, मतलब इतना थिक मटेरियल में आपको जैकेट जो मिला है वो आपको 500 के लगभग कभी नहीं मिल सकता है, विच इज़ गुड। और ये सारे जो भी जैकेट वगैरह है, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और ये दोनों जैकेट जो पहले मैंने दिखाया था और अभी मैंने दिखाया, ये दोनों अजियो से मैंने ऑर्डर किया है। गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक स्वेट शर्ट विद ड्रॉप स्लीव्स, जो कि मैंने पहन रखा है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही प्यारे से लेवेंडर कलर में है, इसका एक और कलर अवेलेबल है, दैट इज अ मरून। गाइज इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाके चेक करोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस स्वेट शर्ट का कलर आपको पर्पल लिखा गया है, बट ये पर्पल नहीं है, ये लेवेंडर कलर है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ही क्यूट लुक क्रिएट करके देता है। आप देख सकते हो ये राउंड नेक में है, इसको आप अगर किसी शर्ट वगैरह के साथ, कॉलर शर्ट के साथ पेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आपको देगा। मैंने इसे 266 में परचेज किया है, विच इज क्वाइट परफेक्ट, बिकॉज ये स्टार्टिंग विंटर के लिए परफेक्ट है। इसका मटेरियल बहुत थिक भी नहीं है, इलास्टिकेटेड रिस्ट है, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन ब्लेंडेड है। मैंने इसका साइज मीडियम ऑर्डर किया है। कैसे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोडक्ट का हेयर वी आर आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज अ फ्रॉम ब्रांड DNMX, जो कि एक क्रीम कलर का किनेटेड स्वेटर है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज इससे जिस प्राइस में मैंने लिया है उसके हिसाब से आपको ये पुल ओवर जैसा जो लुक देता है, क्योंकि आप अर्बन जैसे वेबसाइट पे चेक करोगे तो जितने भी पुल ओवर स्वेटर होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो मैंने इसे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इससे ग्रैब किया इस डील को, जो कि बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप इसका कलर देख सकते हो, क्रीम कलर है और मटेरियल इसका बहुत ही सॉफ्ट है। नीचे से आप देखिएगा तो नीचे से आपको स्लिट मिल जाता है, जो कि आपको स्लिट पीछे से थोड़ा लंबा और आगे से ये थोड़ा छोटा है। गाइज इसका जो ये किनेटेड स्वेटर है तो आपको ऑब्वियसली अंदर में कुछ वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आराम से अंदर ट्रांसपेरेंट है, दिखता है या अपन ने अंदर क्या वेयर कर रखा है। इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, स्लीव्स में आपको कोई भी इलास्टिक नहीं है, तो ये मतलब एकदम लूज लूज सा लुक देने वाला है। इसका प्राइस जो है वो 389 में है, और ये किनेटेड स्वेटर है फ्रेंड्स, तो इसे आप हैंड वॉश करना, मशीन वॉश मत करना, क्योंकि मशीन में इसके जो वो जो धागे हैं वो फंस सकते हैं। तो मटेरियल जो इसका बहुत ही मिक्स मटेरियल है, बिकॉज इसमें एक्रेलिक, पॉलिस्टर और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें मिक्स है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग इसका स्मॉल साइज ऑर्डर। गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक बॉटम वेयर, जो कि है मीड राइज एंकल लेंथ ट्रैक पैंट, दैट इज दिस वन, और ये मैंने ग्रे कलर में ऑर्डर किया है, बट इसका आपको ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये फुल लेंथ में आता है, आपके एंकल तक लेंथ आ जाएगा, और ये बहुत ही थिक मटेरियल में है। आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाते हैं, इसमें दो फ्रंट पॉकेट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही डीप है, आपका पूरा हाथ इसमें घुस जाने वाला है, और इनफैक्ट आपको यहाँ पे पीछे में भी बैक पॉकेट भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बैक पॉकेट में आपको जिप भी दिया गया है, जो कि अच्छा खासा जिप है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल है जिप का। और मतलब ऐसा होता है ना कि बैक पॉकेट में आप अगर आप कुछ कैश वगैरह डालते हो तो चोरी होने का डर रहता है, तो आप आराम से उसमें डाल के जिप लगा लोगे, विच इज सो परफेक्ट एंड सेफ। और गाइज ये बहुत ही थिक मटेरियल है, इनफैक्ट आप इसके अंदर का मटेरियल देखिएगा तो अंदर में भी बहुत ही अच्छा वूलन टाइप का, जो आपको ब्लैंकेट वगैरह में मटेरियल होता है ना, उस टाइप का थिक सा मटेरियल है। और मैंने इसका जो प्राइस परचेज किया है वो 296 में, जो इसके मटेरियल के हिसाब से गाइज बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग इसे मीडियम साइज में परचेज किया है। गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है विमेन ग्रीन स्वेट शर्ट, आप देख सकते हो। इसका जो नेक है वो राउंड नेक में है, ब्रांड ये टोक्यो एंड टाकिस से है। स्लीव्स ये फुल स्लीव्स है विथ पफ स्लीव, एंड रिस्ट जो है आपको ये इलास्टिकेटेड रिस्ट मिल जाते हैं। इसमें बहुत ही क्यूट सा रिबन आपको दिया गया है, जो बहुत ही क्यूट सा लुक देता है। और इसके अंदर के मटेरियल की मैं बात करूँ तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसे स्टार्टिंग विंटर में भी वेयर कर सकते हो, ऑल दो आप किसी शर्ट के साथ, कॉलर शर्ट के साथ भी पेयर करके इसे पहन सकते हो, बहुत ही क्यूट सा लुक देगा आपको।
इसकी जो प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं इसके साइज़ में बता दूँ। साइज़ मैंने इसके अपने अकॉर्डिंग स्मॉल साइज़ परचेज किया है। मटेरियल जो इसका कॉटन है, बट आप ये मतलब स्वेट शर्ट वाला जो मटेरियल होता है वही होता है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको मटेरियल कॉटन लिखा गया है। ये मशीन वॉश है तो आपको हैंड वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल दो मैंने इसके प्राइस के बारे में बता रही थी, तो मैंने इसे 395 में परचेज किया है, बट जो इसका करेंट प्राइस है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता दे रही हूँ कि इसका ये अगर आप लेस प्राइस में परचेज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन पर प्ले कर रही हूँ, आप केयरफुली आप उसे देख लीजिए। अभी आप देख सकते हो ऐप पे जो मिंत्रा पे जो मैंने मिंत्रा से ये जो प्रोडक्ट लिया है अभी उसका प्राइस 494 है। बट गाइज आप उसके नीचे में आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिया गया है जो कि अगर आप 1199 मतलब अप्रॉक्स 1200 की शॉपिंग करते हो तो आप कुछ डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो जो कि है 150 का। बट आप उसके 1200 पुराने के लिए आप कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो आप अपने मनचाहे प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हो। बट आप जो भी ऐप में लिस्टेड प्रोडक्ट है जो कि आपके व्यू प्रोडक्ट साइट में जो दिया गया है उस पर आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे बहुत स्टाइलिश आपको क्लॉथिंग मटेरियल मिल जाते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर लो 1200 करने के लिए। ऑल दो अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो बस आप ग्रैब करने के लिए डील आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दो। आपको जो भी उसमें ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि वो कूपन कोड अप्लाई कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे रोड स्टार का मैंने एक ट्रैक पैंट सिलेक्ट कर लिया है। आप वहाँ पे जाओ, उसके साइज वगैरह जो भी आपको, अगर आपको जेन्युइनली लेना है तो आप अपना जेन्युइन साइज सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड टू बैग कर लीजिए। उसके बाद आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए, नीचे आपको लिखा गया है कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। उसके बाद मैंने बैग में इसे अटैच कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हो चुका है। अब इसको बस क्या करना है कि आप लोग को ऑर्डर करना है, तो आप प्लेस, आप लोग प्रोडक्ट बहुत सारा ऑर्डर करते ही हो तो आप इससे प्लेस ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, ऑल दो आप इसे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, UPI मतलब किसी भी ऑनलाइन नेटवर्क से आप पे कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि ऑनलाइन अगर आपको जेन्युइनली वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था जिस जो आपने ऑफर लेने के लिए किया है तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये होता है ना कि ऑनलाइन पे करने के बाद आपको लगता है कि अरे मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, मैं कैंसिल करूँगी, उसका पैसा वापस आएगा कि नहीं ऑफर लगने के बाद, तो ऐसा नहीं है। और पैसा कुछ ही देर में आ जाता है, नहीं आता है तो एटलीस्ट 24 आवर में तो आ ही जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मिंत्रा के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, उनका रिस्पॉन्स अच्छा खासा है, मेल कर सकते हो, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको जनरली जो आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए था उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं आप वीडियो में देख सकते हो मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और प्लेस करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने 494 का जो मेरा ये स्वेट शर्ट है उसमें मैंने यहाँ पे कूपन डिस्काउंट आपको उस प्रोडक्ट पे कितना मिल रहा है, और जो मैंने रोड साइड का एक पैंट जो ऑर्डर किया है वो थोड़ा कॉस्टली है तो ऑब्वियसली उसमें आपको डिस्काउंट भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज़ अ 108। तो उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं आप वो पैंट को कैंसिल भी करते हो, ऑर्डर को कैंसिल करते हो, तो आपको ओनली 43 का डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नहीं कि ये नहीं कि आपने ये ऑर्डर किया तो आपको 150 का डिस्काउंट इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर दो और बाद में जाकर आप उसका ऑर्डर वहाँ से जो भी आपको नहीं लेना है उसको आप कैंसिल कर दो। और आप देख सकते हो कैंसिल करने के बावजूद भी वहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो बस नॉर्मल सा आपको पुराना है पैसा और आपको वहाँ पे ऑफर आपको मिल जाएगा। गाइज अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर। गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फ्लिपकार्ट से है, ब्रांड प्रोग्यू से। आप देख सकते हो ये मैंने एक पफ जैकेट ऑर्डर किया है जो कि है डार्क ग्रीन में। इसका एक और कलर अवेलेबल है, दैट इज अ डार्क ब्लू। और आप देख सकते हो इसके चैन की मतलब जिप की मैं बात करूँ, जिप बहुत ही सॉफ्ट है। ये आपको हाफ स्लीव मतलब स्लीवलेस है, और ये इसका जो थिकनेस है, थिकनेस आपको मीडियम थिकनेस है, मतलब जो मैंने सबसे पहले वाले आपको पफ जैकेट दिखाए थे उससे थोड़ा ज़्यादा, और सेकेंड वाले जो पीच वाले पफ जैकेट थे आजियो के उससे थोड़ा कम है।
आपको ये हाई नेक भी मिल जाते हैं जो कि आप किसी भी चीज के ऊपर डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ब्रांड बहुत ही फेमस ब्रांड है, आप किसी भी साइट पे चेक करोगे तो मिल जाएगा। और इस ब्रांड के आपको कपड़े बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। मैंने इसका साइज मीडियम, सॉरी, मैंने इसका साइज स्मॉल ऑर्डर किया है। आप अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग देख के आप साइज ऑर्डर करें। मैंने इसका स्मॉल साइज लिया है, बट अकॉर्डिंग टू माई बॉडी शेप एंड माई साइज ये थोड़ा मुझे लूजी हो रहा है। तो अगर आपका जो भी बॉडी साइज है, मतलब जो भी साइज चार्ट है, उसके आप एक स्मॉल भी जा सकते हो। लाइक मेरा ये स्मॉल था, तो आई गेस मुझे अगर फिटेड पहनना पसंद होता तो मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर करती, तो वो मुझे परफेक्टली फिट होता। तो अगर आप फिटेड पहनना पसंद करते हो तो आप एक्स्ट्रा स्मॉल या अपने साइज के एक साइज छोटा ऑर्डर करो। और इसका जो मटेरियल है वो आपको पॉलिस्टर, आप देख सकते हो अंदर से भी आपको ये जो लिनिंग दिया गया है वो भी पॉलिस्टर मटेरियल ही है। फ्रंट में इसमें बहुत ही डीप पॉकेट मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीप पॉकेट है। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका करंट प्राइस आपको 804 है, बट मैंने जब परचेज किया था तो ये 654 का, 659 का था। जो इसका करंट प्राइस है 804, आप उसमें कुछ क्वाइन, मतलब जब भी आप फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हो तो उसमें आपको नीचे आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब वहाँ पे डिटेल में चेक कीजिएगा, तो प्राइस के साथ कुछ क्वाइन भी है। तो अगर आपके वॉलेट में कुछ क्वाइन है तो आप उस क्वाइन के साथ ऐड करके आप उससे कम प्राइस में आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो। गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैंने अमेजोन से, मैंने आपको कहा था सारी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन से है, जो कि ब्रांड फैब्रिकॉन से मैंने एक हुडेड स्वेट सेट ऑर्डर किया है। ये थोड़ा क्रॉप है, ज़्यादा क्रॉप नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्रॉप नहीं है बिकॉज ठंडी भी है तो उसका भी ध्यान देना है। इसके साथ आपको हुडी भी मिल जाती है, इसके स्लीव्स में आपको स्ट्रिप है, इलास्टिकेटेड रिस्ट है। ये मटेरियल की मैं बात करूँ, मटेरियल इसका बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसकी कलर जो आपको डस्टी रोज है, बट इसका और भी कलर, बहुत सारे कलर में आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे, येलो, पिंक, रेड, बहुत सारे कलर वैरायटी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे देखो, चेक करो और अच्छे से उसकी डिटेल में जाके देखिए कौन कौन कलर है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसे ले सकते हो। मैंने इसका मीडियम साइज ऑर्डर किया है। इसका जो प्राइस है, मैंने जो परचेजिंग प्राइस है वो 549 है, बट अभी इसका करेंट प्राइस 599 है। गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मिंत्रा से, और ये एक येलो मस्टर्ड में आप मैंने स्वेट शर्ट ऑर्डर किया है। इसमें आपको हुडी भी मिल जाती है। इसका मैंने मीडियम साइज परचेज किया है, आप इसके देख सकते हैं आगे में आपको दो अटैच्ड पॉकेट मिल जाता है, मतलब अलग नहीं है, आप इधर से आप देख सकते हो, ये नॉर्मली दोनों हाथ इसके अंदर अटैच हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये ब्रांड कैंपस सूत्रा से, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका टैग भी लगा हुआ है। मैंने इसे परचेज, जो भी इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे दूसरे प्राइस में ऑर्डर किया है आफ्टर अप्लाइंग कूपन कोड। जो इसका अभी प्राइस है वो कुछ और है, जब मैंने परचेज किया था वो प्राइस 553 था, मतलब 553, एंड व्हेन वी अप्लाइड कूपन देन मुझे ये 497 में मैंने इसे परचेज किया है, बट इसका अभी करेंट प्राइस जो है 679 है। मटेरियल जो इसका है वो 100% कॉटन है, तो आप इसे नॉर्मली मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश की इसे कोई ज़रूरत नहीं। गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया, जो कि है एक स्वेट शर्ट ही, आप इसे देख सकते हो। मैंने ये ग्रीन कलर में ऑर्डर किया है, बट इसका पिंक कलर भी है अवेलेबल, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे। और इसके नेक की मैं बात करूँ तो आपको राउंड नेक मिल जाता है, ये ब्रांड रोड स्टार से है। स्लीव्स इसमें पफ स्लीव्स है और बहुत ही सुंदर पफ स्लीव्स है, और इसकी जो ये शोल्डर भी है वो थोड़े ड्रॉप शोल्डर आते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे ओवरऑल स्वेट शर्ट का लुक बहुत ही अच्छा आपको, मतलब बैगी लुक देता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। रिस्ट आपको इलास्टिकेटेड रिस्ट है, आपको इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ जो है वो आपको राइड द विंड लिखा गया है, जो कि आपको रबर प्रिंट में है। गाइज, इसके ऊपर आयरन बिल्कुल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज आप देख सकते हो मैंने किया भी था, तो ये इसका राइड का जो रबर प्रिंट है वो थोड़ा मेल्ट हो गया हुआ है। इसके मटेरियल की मैं बात करूँ तो ये मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, और आप इसे हेवी विंटर में भी पहन सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही कम्फर्टेबल है, लेयरिंग करके भी पहन सकते हो। प्राइस जो इसका है 474 था, बट मैंने आफ्टर अप्लाइंग कूपन मैंने इसे 426 में परचेज किया है। गैस, इसके पिंक वाला का प्राइस कुछ और है, दैट इज़ अ 474 एंड, बट इसका करेंट प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। जब मैंने इसे परचेज किया था गैस, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसका प्राइस अभी 1200 अप्रॉक्स हो चुका है, तो आई गेस मैंने बहुत ही अच्छा डील क्रैक किया है।
गाइस अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।